सुप्रीम कोर्ट, सभी न्यायालय, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा गया है। लेकिन हमारा समाज बहुत आज तक बहुजन बन चुका है, लेकिन बहुजन नहीं बन अपने को संगठित नहीं कर पा रहा है। उसका मेन कारण है कि जो भी होते हैं सब अपनी संस्थाएं खोलकर बैठे हुए हैं, हर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। हर आदमी एक नया नेता बनना चाहता है, कोई भी अपने को अपने एक को नेता नहीं चुनना चाहता है। इसी कारण हम लोग बिखरे हुए हैं, और इसका मेन कारण है जब तक हम अब संगठित नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ साथ बाबा साहब ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता। बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब के विचारों पर आप लोग चलते हैं, क्या आप बाबा साहब के संविधान की किताब आप अपने घर में रखे हैं? बता दीजिए कोई भी व्यक्ति। मेरे पास है। है बालक राम जी ने सबके घर घर पहुंचा दिए। एक प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपके घर पहुंचा दिए हैं बालक राम, लेकिन आप जहां जो बेचारे जिसके घर आप नहीं जा पाती, क्या आप उसके घर पहुंचाए हैं? पहुंचाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आप ये यहाँ शहर में रह करके नेतागिरी मत करिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बेजुमान जो गांव में रहते हैं, जिनके पास आप जैसे साधन नहीं है, आप उनकी हेल्प करने की सीखिए। यहाँ एसी में बैठ करके, और हम कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर हर आदमी के पास किताब अवेलेबल हो सकती है, उन बेजुबान बच्चों के पास नहीं हो सकती जिनके बाबा साहब के बारे में। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, आज हर गांव का बच्चा बाबा साहब को इतना जानता है जितना आप लोग नहीं जानते। आप जो बोल रहे हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी कोई नहीं इलेक्शन लड़ता। मैं ओनली फायर 12 वोट पाता हूँ, हमारे समाज का केवल 12 अयोग्यता है वहाँ पर। YouTube और Facebook पर सब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वोट देने का राइट किसी के नहीं है। जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे तो ऐसे YouTube पर Facebook पर नेता बनते रहो। आप अपने अधिकार पाने के लिए हर चीज सीखिए, मेहनत करेंगे तभी मिल पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। नेतागिरी भाई, हर चमचागिरी किसी के लिए। चमचा युग मान्योर साहब ने लिखा था, लेकिन उन्हीं के कंपनी में सबसे ज्यादा चमचा पैदा हुए। सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में चमचा पैदा हुए हैं, और वो जो व्यक्ति 5 रुपए चंदा दे करके इस कैडर को बनाया था, आज वह व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है और लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं। चमचागिरी का ये कारण है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।